Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Greetings to you. So I welcome you in the another episode of worksheet series for class 7th. So first question is, fungi basically kya hai? Hame ye batana hai. Parasite hai, saprotroph hai, autotrophic hai aur insectivorous hai. पैरासाइट कौन होते हैं? जो होस्ट की बॉडी पे, लिविंग बॉडी के ऊपर रहते हैं या अंदर रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं पैरासाइट। सेप्रोट्रॉप्स होते हैं जो डेड एंड डिकिंग, जो डेड डिकिंग मैटर है, जैसे ड्राई लीव्स हो गई या फिर कुछ भी अनवांटेड जो सब्सटेंस है उसके ऊपर फीड करते हैं। ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, और इंसेक्टिवोर होते हैं जो इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं। सो इसका आंसर क्या हो गया? सेप्रोट्रॉप। जो फंजाई है वो क्या है? बेसिकली सेप्रोट्रॉप है। तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फील सोपी ऑन टचिंग। जब हम किस चीज़ को फील करते हैं, जो हमें जब हम उसको टच करते हैं तो हमें सोपी फील होता है, इनमें से क्या है? एसिड है। एसिड को तो हम टच ही नहीं कर सकते, एसिड को टच करेंगे हाथ जल जाएगा। बेस को या सॉल्ट को ही टच कर सकते हैं, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही चला गया। ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा फिर जब एसिड चला गया। तो अब इन दोनों में से देखते हैं, सॉल्ट हमारे घर में जो होता है उसको हम टच करते हैं तो हमें बेस ही फील होता है? नहीं होता। किससे फील होता है? बेस से फील होता है। अगर आप जो इनो पीते हो, इनो को कभी आप अपने हाथ पे ऐसे हल्का पानी लगा के रब करोगे तो आपको सोपी फील होगा। क्यों फील होगा? क्योंकि जो बेस होते हैं वो सोपी फीलिंग देते हैं टच करने पे। तो आंसर क्या हो गया? बी, राइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास बेसिकली क्या कहना चाहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर हैज अ किंक। किंक हमने पढ़ा है, किंक किसमें होता है? ओके, सो किंक बेसिकली क्या करता है? किंक जो है वो जो हमारा किंक बेसिकली क्या करता है जो वो है मर्करी को वापस नहीं आने देता। किंक एज अ बैरियर एक्ट करता है। तो किंक किस में होता है? लेबोरेटरी थर्मामीटर में होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर में होता है, बोथ ए एंड बी, और डिजिटल थर्मामीटर। तो डिजिटल थर्मामीटर तो हमें पता है इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर होता है, तो वो तो होगा नहीं, सेल से चलता है, ठीक है। लेबोरेटरी थर्मामीटर में भी पढ़ा था कि किंक नहीं होता, क्योंकि जैसे ही हम उसको पानी से बाहर निकालते हैं उसका मर्करी ड्रॉप हो जाता है, तो लेबोरेटरी में भी नहीं होगा। तो बोथ ए एंड बी भी ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक होता है, राइट। तो आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट देखते हैं, द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस इज। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बिल्कुल सिंपल जो आपको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इससे कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। आप इससे डिस्टेंस का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, आप टाइम का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। अगर मैं टाइम को ऊपर ले जाऊंगी तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टाइम ऊपर चला गया तो स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? स्पीड इंटू टाइम। कौन सा इसमें से? स्पीड इंटू टाइम ए है, तो आंसर हो गया हमारे पास ए। अगर मैं आपको बोलूँ टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, तो टाइम का फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको ऊपर ले जाएंगे और स्पीड नीचे आ जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो उससे हमारा टाइम निकल जाता है। अगर ये बेसिक फॉर्मूला स्पीड का, ये आपको याद है तो आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो और टाइम भी निकाल सकते हो। क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट विच कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज। ऐसी कौन सी सबसे छोटी यूनिट है जिससे सब ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनी होती है? तो एनिमल तो हमें दिखते हैं, टिश्यूज क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल, मतलब टिश्यू भी हमें दिखते हैं, ऑर्गन्स हमें दिखते हैं, सेल्स होती है सिंगल यूनिट, सेल से हमारी बॉडी बनी है, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अमीबा जो होता है वो सिंगल सेल्ड होता है, वो हमें नहीं दिखता विदाउट माइक्रोस्कोप, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। हमने पढ़ा है चैप्टर में कि पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे हम सेल्स को अरेंज करते हैं। तो सेल हमें साइड बाय साइड अरेंज करना है, बिल्कुल। सेल हमें वन आफ्टर द अदर, एक सेल के बाद दूसरा सेल लगाना है, दोनों ऑप्शन ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? ए और बी। तो ये हो गया हमारा सी इसका आंसर, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, द ग्रीन पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लीव्स आर कॉल्ड। ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमें पता भी इसका आंसर क्या है, सिंपली क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट जो प्लांट्स में होता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है वो क्या है? क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में मिलता है? लाइम वाटर में, लाइम जूस में, सोप में, विंडो क्लीनर में। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है पूरा चैप्टर तो आपको पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं? लाइम वाटर बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर हो गया ए, ठीक है। लाइम जूस और लाइम वाटर में कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से रीड करना है, कभी आप गलत ऑप्शन पे टिक कर दो, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ, जो आयरन है हमें पता है गर्म हो जाती है नीचे से, फिर हम उस अपने जो कपड़ों पे जो क्रीज है, रिंकल्स हैं, उनको हटा लेते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो वो किसकी वजह से होती है? ऑब्वियसली बात है, हीट से तो रिमूव करते हैं रिंकल्स को, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
हमने यही दो इफेक्ट पढ़े चैप्टर में, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट से हमने इलेक्ट्रिक बेल देखी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेट देखा था, राइट। हीटिंग इफेक्ट से हमने ये सारे अप्लायंसेस देखे थे, गीजर, आयरन, माइक्रोवेव, ये सब देखा था। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, ए। नेक्स्ट देखते हैं, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। जब हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी पे ट्रांसफर हो रहा है, बॉडी पे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा होगा, कंडक्शन होगा, इंडक्शन होगा, कन्वेक्शन होगा, रेडिएशन होगा। जब भी बॉडी बॉडी कॉन्टैक्ट में, बॉडी मतलब सॉलिड, सॉलिड टू सॉलिड ट्रांसफर हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, राइट। तो आंसर क्या हो गया, ए। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, नेम द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच कॉजेज मसल क्रैम्प। मसल क्रैम्प कौन सी रेस्पिरेशन की वजह से होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से। जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है मसल में, बहुत ज़्यादा एक्सर्ट एक्सरसाइज करके, रनिंग करके, तो हमारी मसल में क्या हो जाता है, क्रैम्प्स हो जाते हैं, पेन हो जाता है। ओके, सो ड्यू टू दिस, दिस इज ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, द डिवाइस विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग टाइम इंटरवल इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी। स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, आपने सर के हाथ में देखा होगा, सर या मैम होती है जो हमारी स्पोर्ट्स टीचर, स्पोर्ट्स पर्सन होता है, उसके हाथ में आपने देखा होगा, वो क्या होती है, स्टॉप वॉच होती है, राइट। तो स्टॉप वॉच की हेल्प से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वेन द स्विच इज इन ऑन पोजिशन। जब स्विच ऑन है तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है हमारा, क्लोज है। स्विच ऑन है तो बल्ब ग्लो करेगा, क्लोज है और कंप्लीट भी है, तो आंसर क्या हो गया, बोथ ए एंड सी, राइट। द प्रोसेस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हीट विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, मतलब कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट, लाइक द सन। सोर्स ऑफ लाइट क्या, हमारी सन है, और हम हीट अप हो रहे हैं, अर्थ हीट अप हो रही है, तो इन दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट है, नहीं है, तो ये कौन सा आंसर है इसका, रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू हीट का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम सन टू अर्थ। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ये तो पता ही है हमें, ग्रीन प्लांट्स करते हैं, वो कौन होते हैं, ऑटोट्रॉप्स, राइट, बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन अ ड्रॉप ऑफ विनेगर सॉल्यूशन। विनेगर क्या होता है, सिरका। हम जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, सिरकी वाली प्याज खाते हैं ना, हमें बड़ी पसंद आती है विद ग्रीन चटनी, हमेशा जब भी रेस्टोरेंट से खाना आता है हमें बड़ी अच्छी लगती है, वो क्या होता है, सिरके वाली प्याज होती है, बेसिकली विनेगर वाली प्याज। विनेगर में डिप कर देते हैं फॉर ऑनियन को फॉर 2-3 आवर्स, एंड वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है, विनेगर, सारा जो ऑनियन है वो विनेगर एब्जॉर्ब कर लेती है। विनेगर क्या होता है, एसिडिक होता है, तो हमें पता है जब हम लिथमस पेपर के ऊपर विनेगर को डालेंगे, विनेगर एसिडिक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में। वो लिथमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड कलर में। तो रेड क्या इंडिकेट कर रहा है, कि विनेगर एसिडिक है। ओके, ब्लू क्या इंडिकेट करता है, कि कोई भी सब्सटेंस बेसिक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं 17, द एयर फ्रॉम द सी। जब सी से हमारी तरफ एयर आ रही है तो उसको हम कौन सी ब्रीज बोलते हैं, सी ब्रीज बोलते हैं, लैंड ब्रीज बोलते हैं, विंड बोलते हैं, नन ऑफ दीज बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। जब भी सी से, ब्रीज मतलब होती है जेंटल विंड्स, जब सी से जेंटल विंड्स हमारे पास आ रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सी ब्रीज बोलेंगे। जब लैंड से जा रही है तो क्या बोलेंगे, लैंड ब्रीज हो रही है, ठीक है, सी ब्रीज। सी ब्रीज डे में होता है, लैंड ब्रीज नाइट में होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड्स ऑन इट। तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है वायर में, वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी थिकनेस पे भी डिपेंड करती है, हमने पढ़ा था ये चैप्टर पढ़ते टाइम, मटेरियल पे भी डिपेंड करती है एंड लेंथ पे भी डिपेंड करती है। इन्हीं तीनों चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितना ज़्यादा हीट अप होगा। ओके, सो इसका आंसर क्या हो गया, डी, ऑल ऑफ दीज। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहना चाह रहा है, अ मोशन ऑफ दी स्पाइक्स इन द व्हील्स ऑफ अ मूविंग साइकिल। जो मूविंग साइकिल है उसमें जो स्पाइक्स होते हैं वो हमें नहीं दिखते आफ्टर सर्टेन टाइम, क्योंकि व्हील्स में कौन सा मोशन हो रहा है, व्हील्स की बात होगी तो कौन सा मोशन होगा, हमेशा सर्कुलर मोशन। ओके, सो डायरेक्टली इसका आंसर क्या है, सर्कुलर मोशन, बी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द गिल्स हेल्प द फिश टू। जो गिल्स हैं वो फिश को किस चीज़ में हेल्प करते हैं, एयर से ऑक्सीजन लेने में, पर जो फिश है वो तो वाटर में रहती है तो एयर से कैसे लेगी ऑक्सीजन, रॉन्ग हो गया। द टेक इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ऑब्वियसली, ठीक है, बी हो गया। और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, नहीं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में गिल्स हेल्प नहीं करता, गिल एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है तो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ब्रीदिंग में हेल्प करता है, ऑक्सीजन लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट करने में हेल्प करता है, जैसे हमारे लंग्स करते हैं वैसे ही। ओके, तो रिलीज वेस्ट, वेस्ट वेस्ट का काम किसका है, किडनी का है या फिर लार्ज इंटेस्टाइन का है। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द रॉ मटेरियल यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बिल्कुल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड किस किस में है, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन कट हो गए,
इन दोनों में, ठीक है। ऑक्सीजन यूज होता है, आप बताओ ऑक्सीजन यूज होता है, रॉ मटेरियल ऑक्सीजन भी यूज नहीं होता, ऑक्सीजन तो वो रिलीज आउट करता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड वाटर होता है, तो ऑप्शन हो गया बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर, बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं, आ स्टमक कंटेन, हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है ये हमें पता है, हमारे स्टमक के अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आंसर हो गया ए। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है, बहुत सिंपल है, विच कलर एब्जॉर्ब्स मोर हीट, कौन सा कलर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, ये हमने देखा था ब्लैक कलर, डार्क कलर्स, डार्क कलर हीट एब्जॉर्ब करते हैं, तभी हम बोलते हैं डार्क कलर्स को विंटर्स में पहनना चाहिए, और वाइट कलर सबसे कम हीट एब्जॉर्ब करता है, तो लाइट कलर्स और वाइट कलर्स हमें समर्स में पहनने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ऑलरेडी, तो ये आपको भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इन टू, सेल के अंदर ऑक्सीजन का यूज़ होता है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज को हमें फर्दर ब्रेक करना है, करना होता है ताकि एनर्जी मिले हमें। ओके, सो क्या क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वाटर प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फैट्स तो प्रोड्यूस होंगे नहीं, ग्लूकोज फैट्स में थोड़ी कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल नहीं प्रोड्यूस होगा क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। ओके, लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस नहीं होगा, तो क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मीन सॉरी वाटर एंड एनर्जी, तो आंसर क्या हो गया, ए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस इज, ऑसिलेटरी मोशंस को जो पेंडुलम होता है ऑसिलेटरी मोशन शो करता है, उसको हम पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीन यूज इन प्लेस ऑफ फ्यूज, फ्यूज की जगह पे अब कौन सी चीज़ें यूज होने लग गई हैं, ना तो निक्रोम फ्यूज की तरह एक्ट करता है, ना ही फिलामेंट एक्ट करता है, ना ही स्विच एक्ट करता है, क्या एक्ट करता है, MCB। ओके, तो आंसर क्या हो गया, MCB। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक, जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर से पास आउट होगा तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा, एज अ मैग्नेट, ये हमने किया था, हम बनाते भी इलेक्ट्रोमैग्नेट हम ऐसे ही बनाते हैं, तो एक्ट करता है एज अ मैग्नेट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर यूनिफॉर्म मोशन, मतलब जो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि एक ही स्पीड में एक ही डायरेक्शन में गाड़ी मूव कर रही है, तो उसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ओके, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वी सफर फ्रॉम एसिडिटी, जब भी हमारे पेट में। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। व्हेन वी सफर फ्रॉम एसिडिटी, जब भी हमें एसिडिटी होती है, तो हमने बहुत सारे एड्स देखे ना टीवी पे, एसिडिटी होती है 6 सेकंड्स में, इनो, डाइजीन, इन सब के एड्स देखे हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो बेस है। एसिडिटी मतलब क्या है, एसिड ज़्यादा हो गया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हो गया, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, बेस देना पड़ेगा। तो एसिड और बेस जब साथ में कंबाइंड होंगे तो हमारे पेट में कैसा मीडियम हो जाएगा, एकदम न्यूट्रल मीडियम हो जाएगा, एकदम रिलीफ फील होगा। ओके, सो क्या देते हैं हम, एंटासिड, जो ये सारे इनो हैं, डाइजीन है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, एंटासिड्स बोलते हैं। ओके, एंट मतलब अगेंस्ट, एसिड, एसिड के अगेंस्ट वर्क करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एंट एसिड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अब मार्बल, मार्बल टाइल की, मार्बल टाइल को हमें कंपेयर करना है वुडन टाइल से, तो आप इमेजिन करो आपके घर में एक रूम पे मार्बल टाइल्स लगी हुई हैं और दूसरे रूम में वुडन टाइल्स लगी हुई हैं। ओके, सो जो मार्बल टाइल है वो अनपॉलिश्ड है, मार्बल टाइल जो है वो पॉलिश नहीं है, और मार्बल टाइल विंटर्स में ज़्यादा ठंडी फील हो रही है एज कम्पेयर टू वुडन टाइल्स, तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न सिंपली आपको क्या समझ आ रहा है कि वो बेटर कंडक्टर है, वो हीट को बाहर कंडक्ट कर रही है, तो मार्बल टाइल क्या हो रही है, ठंडी हो जा रही है, क्योंकि वो एयर में अपनी जो हीट है, अपनी टाइल की जो हीट है उसको बाहर डिसिपेट कर रही है, तो बाहर रिमूव आउट कर रही है, तो इसलिए वो क्या है, ठंडी फील हो रही है एज कम्पेयर टू वुड, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, सी। तो हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, आई होप आपको ये एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।